वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के बाइस पब्लिक पार्क्स और सियाहती मकामात बंद रहने की वजह से मकामी नौजवानों ने जहनी तनाव को कम करने और जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए ट्रैकिंग को मुतबादल बनाया है। वादी खूबसूरत और सरसब्ज पहाड़ों से घेरी हुई है, जहां ट्रैकिंग के बेशुमार मकामात मौजूद है। पहलगाम, गुलमर्ग और दीगर सियाहती मकामात और दीगर पब्लिक पार्क्स को छुट्टियों के दिन बंद रखा जा रहा है, ताहम नौजवान ट्रैकिंग को तरजीह दे रहे हैं। ये नौजवान अलल सुबह घरों से ट्रैकिंग के मकामात की तरफ रवाना होते हैं। अपने कंधों पर लदे बैग्स में खाने पीने की चीजें लेकर ये पहाड़ों के दामन या ऊंचाइयों पर वाकई छोटे झीलों के करीब टेंट लगाकर छुट्टियों के अय्याम गुजारते हैं। गुज़िश्ता हफ्तों से नौजवानों ने वादी के अतराफ में कई ट्रैकिंग के मकामात खोज लिए हैं और दिन रात चलकर इन सब्ज हजारों को अबूर कर लिया है। इससे पहले भी हम कई बार गए थे तारसर मारसर नागबेरन, लेकिन हमें एक नाइट देनी पड़ती थी वहां पे। लेकिन आज जो हमने ये ट्रैक किया, ये बहुत ही मुश्किल ट्रैक था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पूरा किया है एक दिन में। मेरे साथी थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ट्रैक आज करके दिखाया है। वी हैव कम्प्लीटेड दिस ट्रैक इन द स्पेन ऑफ 19 आवर्स एंड वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 45.4 किलोमीटर्स। In other words, we can say we have started from Srinagar and we have reached here in Pahalgam. That is it. याद रहे कि रिवायती सियाहत कोरोना वायरस से मुतासिर हो रही है, लिहाजा कश्मीर में नौजवान रिवायती सियाहत से हटकर ट्रैकिंग से वादी की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए मीर फरहत की रिपोर्ट।